हाँ जी, फाइनली मोटर होम लेके पहुंच गए हैं। माता जी को बस मोटर होम दिखाना है, मगर सुबह सुबह नाश्ते की तैयारी में सारे लग गए हैं। मैं तो नहा धो के तैयार हूँ। जी सर, क्या चल रहा है? देख सकते हैं आप क्या चल रहा है। अच्छा ऐसा है? हाँ। कुछ जरूरी काम है मोटर होम से रिलेटेड, वो अभी निपटानी है। ठीक है, ओके। हाँ जी, क्या तैयारी चल रही है, क्या बना रहे हो? कड़ी की तैयारी कर रही हूं। मेरे को कड़ी बड़ी दूध दही इनसे बड़ी एलर्जी है, मतलब फिजिकली साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम एक ये है कि मोटर होम कल हम रात को सीधा यहाँ पे दो वजहों से लेके आए हैं। एक ये कि भाई फैमिली को दिखाना, दूसरी वजह ये कि अगर हम उसको अपने जंगल नुमा घर के अंदर ले गए तो वहाँ पे तो चूहों की समस्या इतनी है। क्यों माता, इतनी लेंडियां निकली थी पिछली बार? नहीं, हमको पता लगा, हमको मोटर होम वालों ने बताया, मैंने बड़ी रिसर्च करी है। हम तो ले जाके उसको वहाँ खड़ा कर देते थे, मगर चूहे छोटे छोटे छेदों से भी अंदर निकल जाते हैं, और एक बार वो अंदर चले गए, उन्होंने वायरिंग खा ली या अंदर कुछ इक्विपमेंट खा ली, अंदर गंद घोसड़ा कर दिया, तो उनको निकालना बहुत मुश्किल है। इसीलिए उसकी पहले मम्मी को दिखाने के साथ साथ तैयारी इस हिसाब से करनी है कि उसको वहां जंगल में खड़ा करने लायक बनाए चूहों से प्रोटेक्शन। इस बार पूरी ट्रेनिंग ले ले। मैं सोच रहा हूँ एक कोर्स ही कर लूँ यहाँ पे ना। एक आरवी ओनरशिप कोर्स होता है 7 दिन का 6 दिन का, उसे पूरा ए टू जेड समझाते हैं मोटर होम, मगर वो है अमेरिका में, उसके लिए यूएस जाना पड़ेगा। चलोगे? तो अभी होगा तो ले आता साथ साथ में। नया नया मोटर होम ले गए, जब तक आपके पास ना लेके आता, आशीर्वाद ना लेते, मंदिर ना ले जाते आपको, मैं कहता फ्लाइट लेके आ जाओ शिकागो, आप आते? अभी अभी मेरा मूड नहीं है कहीं जाने का। मूड नहीं है? मोड़ सीधी सीधी बात बताओ, कोई मूड वूड की बात नहीं? मम्मी की कमर में दर्द है, परेशान है मम्मी। हाँ। और क्या कहते हैं, इनकी बैक बोन में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, तो हम ढूंढ रहे हैं कायरोप्रैक्टर या कोई फिजियोथेरेपिस्ट जो उसमें हेल्प कर सके। एक रात पहले की दाल जो है ना पराठे के साथ सुबह खाने में मजा ही बढ़ाता है। मैं तो ठंडी खाता हूँ, पराठे की वजह चीला खा रहे हैं। हाँ चलो अच्छी बात है। अब जी, दो तरह की पावर होती है। एक होती है 12 वोल्ट, जिससे आपके फ़ोन वगैरह चार्ज हो जाता है, छोटी पावर जो आपके फ़ोन के अडाप्टर होते हैं उसको अगर आप टच भी करें प्लग ऑन करके तो आपको करंट नहीं लगेगा। दूसरी होती है 110 वोल्ट या 220 वोल्ट जो कि पूरी एक्चुअल पावर होती है, जिससे कि भैया फ्रिज या टीवी या बड़े अप्लायंसेज जो है वो सारे चलते हैं। अब 110 वोल्ट वाले अप्लायंसेज चलाने के लिए मेरे को या तो इन्वर्टर या फिर जनरेटर चलाना ज़रूरी है, क्योंकि वो तो नॉर्मल बैटरी पर चलेंगे नहीं, डीसी पावर पर। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि पर्टिकुलरली दो ऐसे अप्लायंसेज 12 वोल्ट पे चलें, जिसके लिए मेरे को इसका इन्वर्टर वगैरह ऑन ना करना पड़े, कि मैं कहीं भी जा रहा हूं उन दो अप्लायंसेस को पावर मिलती रहे। जिनमें से पहला अप्लायंस है जो नीचे मैं एलईडी लाइट्स लगाऊंगा, उसकी वजह मैं आपको ज़रा मम्मी के साथ जाके बताता हूं, क्योंकि आप हमारे पास से रिलेटेड आप रिलेट कर पाएंगे। और दूसरे की वजह सिक्योरिटी। हाँ जी माता जी और सनी जी, आप कैंप ग्राउंड जाते रहे हैं, आपने अगर एक चीज़ पे ध्यान दिया हो जो हमको भी बड़ी पसंद आती थी, वो ये कि जो आरवीज के आजू बाजू लोग ना एलईडी लाइटें लगा के रखते रहे एम्बियंस बनाने के लिए, ना बड़ी सुंदर लगती है रात को भी, ये लाल नीली लाइटें लगी हुई हैं। मुझे अब पता लगा है कि उसका असली पर्पस एम्बियंस बनाने का है ही नहीं, वो इसलिए लगाते हैं क्योंकि तेज़ एलईडी की रोशनी के अंदर चूहे नहीं आते, जो चर ना जाए आपके इंजन ना खा जाए, क्योंकि कई कैंप ग्राउंड तो जंगलों में होते हैं। तो उसको 12 वोल्ट की सप्लाई देनी है, ताकि जनरेटर इन्वर्टर ऑन ना करना पड़े। मैं कहीं भी जाऊँ तो रात को या सो रहा हूँ, एक बटन दबाया एलईडी स्ट्रिप्स ऑन होगी, नीचे लाइटें जल रही है। ठीक है जी। दूसरी चीज 12 वोल्ट पावर के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, वो है सिक्योरिटी कैमरास, ताकि मैं कहीं भी जाऊं इंटरनेट कनेक्टेड हो, मेरे को मोबाइल पे अलर्ट आ जाए अगर कोई चोरी करने की कोशिश कर रहा हो या हमारी आरवी के अंदर घुसने की कोशिश कर रहा हो, क्योंकि सिक्योरिटी भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो जी ऑफलाइन सिक्योरिटी, फिर चाहे वो कैमरा लगा के चोरों से बचने के लिए या फिर लाइट लगा के चूहों से बचने के लिए, उसका बंदोबस्त तो हम कर रहे हैं, मगर जब बात हमारी ऑनलाइन सिक्योरिटी और प्राइवेसी की आती है तो उसको हम बड़ी सीरियसली लेते हैं, चाहे वो कॉन्टेंट की हमारी रिसर्च हो या फिर हमारे पासवर्ड, क्योंकि बिजनेस से लेके बैंकिंग तक हमको हर काम ऑनलाइन ही करना होता है। थैंक्स टू सर्फशार्क जो कि हमारी इस वीडियो के स्पॉन्सर भी हैं, एटलीस्ट हमें हमारी ऑनलाइन प्राइवेसी और सिक्योरिटी की टेंशन नहीं है। अब जी, अगर आपको वीपीएन के बारे में नहीं पता तो इसका मतलब होता है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, जो कि आपकी सारी ऑनलाइन एक्टिविटी को इनक्रिप्ट करके उसे सिक्योर और प्राइवेट रखने में आपकी हेल्प करता है, जो कि खासा इंपॉर्टेंट हो जाता है जब हम पब्लिक वाईफाई से कनेक्ट करते हैं, जो कि इस मोटर होम ट्रिप पे हम बहुत करने वाले हैं, क्योंकि हम मोटर होम कभी वॉलमार्ट के बाहर लगा देते हैं वाईफाई एक्सेस करने के लिए, कभी स्टारबक्स के बाहर, कभी किसी रेस्टोरेंट के बाहर, और क्योंकि इन जगहों में से कई के वाईफाई एनक्रिप्टेड नहीं होते तो इसलिए हमारी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन जैसे कि पासवर्ड वगैरह चोरी होने का खतरा बढ़ा रहता है। तो क्योंकि आपकी इंटरनेट एक्टिविटी को वीपीएन एनक्रिप्ट कर देगा, तो आप किसी भी पब्लिक वाईफाई से निश्चिंत होकर कनेक्ट कर सकते हैं कि आपका डेटा सेफ रहेगा। और अगर आप भी ऐसी प्रोटेक्शन चाहते हैं तो सर्फशार्क की एक एक्सक्लूसिव ऑफर चल रहा है, जिसके तहत अगर आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के जरिए सर्फशार्क वीपीएन के लिए साइन अप करते हैं और मेरा कोड TD Family यूज करते हैं तो आपको
3 महीने एक्स्ट्रा मिल जाएंगे फ्री। और ये तो आपको पता ही होगा ना कि VPN यूज करके आप वो कंटेंट अनलॉक कर सकते हैं जो आपकी कंट्री में अवेलेबल ना हो, क्योंकि सर्वशार्क आपको एबिलिटी देता है कि आप अपनी वर्चुअल ऑनलाइन लोकेशन किसी भी और कंट्री की डाल सके। जैसे मैंने पहले भी बताया था कि कनाडा में होते हुए मैं जब अपनी फ्लाइट टिकट्स बुक करा रहा हूं तो अपनी कंट्री कोलंबिया डाल देता हूं, क्योंकि कई सारी वेबसाइट्स जो है आपकी कंट्री के हिसाब से आपको रेट लगाती है। तो अगर आपके पास ऑलरेडी VPN नहीं है तो आई हाईली रिकमेंड सर्वशार्क VPN, क्योंकि ये इकलौता ऐसा VPN है जिसको आप एक अकाउंट बनाकर अनलिमिटेड डिवाइसेस पर यूज कर सकते हैं। और ये 30 दिन की मनी बैक गारंटी के साथ आता है, इसलिए ट्राई करने में कोई हर्ज नहीं है। लिंक डिस्क्रिप्शन में, कोड है TDFAMILY। फाइनली टाइम आ गया फैमिली को आरवी दिखाने का। सब नाश्ता नुश्ता करके सेट हो गए और अब इनको थोड़ी सी टूर देनी है, ब्रीफ टूर, डिटेल, क्योंकि इसके अंदर इतने फीचर हैं जो पूरी डिटेल में मैं आपको समझाऊंगा शैसी के अलग और पीछे केबिन के। आफ्टर ऑल मर्सिडीज और विनेबैगो ये दो जबरदस्त कंपनीज की कॉम्बिनेशन का बना हुआ, मर्सिडीज आगे विनेबैगो पीछे। हाँ क्या कंप्लेन कर रही है फिंगरप्रिंट वगैरह ना, ऐसा लगाओ हाथ खींचो, बंद कर रखा मम्मी, जोर ही नहीं लगा, जोर लगा था लो, फौड़ियां निकल आई हैं आपके लिए। ओ हरे राम जी। सुख से भरी हो। है सुख से भरी हो। लोगो लाइट शटर जला दूं सारी। अरे ये अच्छा कहां गई सैंड्रा? ये मम्मी ये कवर है, काउंटर स्पेस हो गया, इसके यहाँ पे चॉपिंग बोर्ड बन जाता है, इसको ऐसे फ्लिप कर दो तो अब इसे सब्जियां काट सकते हो। ये पूरी आपकी किचन होगी, बढ़िया है। नहीं कोरियन है, कोरियन पत्थर, क्योंकि वजन इंजन के ऊपर लोड नहीं आना चाहिए, मगर अभी आपको पूरी इसकी फील नहीं आएगी। ऊपर सोने की जगह अलग है, पीछे बाथरूम है, फील देने के लिए इसको खोल लीजिए। सर आप पहले स्टार्ट कीजिए इंजन। नहीं नहीं आप कीजिए, हम तो चला के ले ही आए हैं, तो इंजन स्टार्ट करना पड़ेगा स्लाइड आउट को बाहर निकालने के लिए, क्योंकि ये जो पूरा आपको दिख रहा है ना मम्मी, जितनी दीवार दिख रही है सारी की सारी बाहर जाएगी। अभी चाबी कहीं जाएगी, पुश स्टार्ट है सर, मर्सिडीज में बैठे हो आप, आई तेरेगी ठीक है। हाँ हैंड ब्रेक खींची हुई है ना, ये जो दिख रहे हैं ना वो ग्लॉसी फिनिश वाले, ये पता क्या है, ये ऐसा सामान नहीं है इसके अंदर, ये इटली में, इटली से स्पेशल इंपोर्ट हुई है कि वहां पे जो यॉट्स होती है ना लग्जरी यॉट, उनका फर्नीचर है ये, क्योंकि समुद्र में ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा होती है। अच्छा, और आरवी के अंदर जब आप यहाँ पे खाने बनाते हो तो ह्यूमिडिटी बहुत, तो सर लकड़ खराब हो सकती है, तो ये स्पेशल लकड़ है जिसके ऊपर ऐसी प्लेटिंग है इटालियन। चलो ये जो बटन है हम इसको दबाएंगे, गई दीवार, हाँ जी अब बताओ जगह। तो कमरा बन गया पूरा। खुल गया, बन गया पूरा घर। हाँ, तो बहुत खुला है। ओके अच्छा, ये भी ये जो है ना, ये ऐसे फ्लिप हो जाता है कि भाई आप दो लोगों चार लोगों आपने कैसे बैठ के खाना खाना है, डाइनेट है, ये भी पूरा का पूरा बेड में कन्वर्ट हो जाएगा। दो गद्दे ही यहाँ से निकल जाएंगे, ये टेबल नीचे चला जाता है और ये पूरा बेड बन जाएगा, ठीक है जी। अब आपने यहाँ आप खाना खा रहे हो आराम से बैठ के, पीछे सामने देखो टीवी लगा, ये साउंड बार है जी JBL की, ब्लूटूथ से चलता है बढ़िया, ठीक है, सराउंड होम थिएटर सिस्टम वाला म्यूजिक है, ठीक है जी। पीछे लगा हुआ है आपका स्मार्ट DVD प्लेयर सोनी का, और ये स्मार्ट टीवी के कंट्रोल है, आपने Amazon Netflix वगैरह आपने YouTube पे अपने ड्रामे देखने हो आप सब यहाँ देख सकते हो। और ये देखो ये इसमें वो किचन रोल टांगने के लिए, और ये जो फ्रिज है ये है 12 वोल्ट, यानी कि ये सिर्फ सोलर पावर पे भी चल सकता है और बिजली पे, इसको प्रोपेन की भी जरूरत, 200 वाट का ऊपर सोलर लगा हुआ है, और दो इसमें लिथियम बैटरीज है, नॉर्मल बैटरी नहीं लिथियम, लिथियम का फायदा होता है कि उसकी लाइफ ज्यादा होती है, वो हल्की होती है, और प्लस उसको 95% तक बंदा डिस्चार्ज कर सकता है, नॉर्मल बैटरी 50% तक ही होती है। और ये बैटरी जैसे जैसे मोटर रूम चलता है चार्ज हो जाती है, या फिर जब आप इसका जनरेटर चलाओ तब चार्ज हो जाती है, या फिर सोलर से भी चार्ज होती रहती है। और पूरा इसकी ऐप है जो बताती है कि अभी बैटरी करंट कंजम्पशन पे कितने टाइम चल जाएगी। आप कहोगे मैं सोऊंगी कहाँ, अच्छा ये टांगे हो गई हैं, ठीक है रेडी ओके। I think this is over. हाँ नहीं ये वो उसमें गद्दे ही बनेगा, वहाँ पे पिलो आ जाएंगे,
हाँ इधर पिल्लो आ जाएंगे, ये आपकी विंडो लगी हुई है। अच्छा अब ये विंडो आप देख रहे हो कैसी है, ये जैसे पुरानी आरवीज में हमारी विंडो थी ना सिंगल पेन, उस तरीके की ये विंडो है। मगर इसमें क्या होता है, इसमें जो सील होती है ना सील, वो बाहर होती है और ये सीलें टाइम के साथ धूप लगने बारिश पड़ने से खराब होती रहती है। इनको बीच बीच में स्प्रे स्प्रू लगा के ठीक करना पड़ता है, वरना पानी लीक होकर अंदर आता है दीवारें खराब हो जाती हैं। इसीलिए हमने स्पेशल अपग्रेड लिया है ये वाली विंडोज का। ये तो आ गया जी ब्लाइंड आपका, ठीक है, और इसमें हाँ अब ये जाली अलग, ठीक है, और अब आपने इसको खोलना है तो आप इसको ऐसे खोल सकते हो, ऐसे करके ये खुल जाएगी। और इसकी सीलें आप देख रहे हो सारी की सारी सील अंदर है, बाहर कुछ नहीं है, ऐसे खुल जाएगी, ठीक है जी। ये जो फैन है मम्मी, ये इसको मैक्स एयर फैन बोलते हैं, ये स्पेशल फैन होता है, ये करता क्या एग्जॉस्ट ही है ये, मगर ये एग्जॉस्ट बाहर भी हवा छोड़ सकता है अंदर भी ले आता है। अच्छा। तो जब गर्मियों का टाइम हो अगर आपने एसी ना चलाना हो, इसको खोला एक से अंदर आएगी हवा और वहाँ एग्जॉस्ट लगा हुआ और यहाँ एग्जॉस्ट लगा हुआ, इससे बाहर जाएगी। अच्छा। तो पूरी सर्कुलेशन होती रहेगी अंदर फ्रेश। रात को आप किसी कैंप ग्राउंड में कहीं सो रहे हो, ऊपर एज यू कैन सी पूरा सोने की जगह बनी हुई है, 500 pounds के आसपास कैपेसिटी है। ये एसी है, ये सीट्स जो है ये पूरी घूम जाती है अंदर हो जाती है, ताकि ये पूरा का पूरा एक लाउंजिंग एरिया बन जाए। ये दो सीटें भी यहाँ घूम जाएंगी तो ताकि पूरी फैमिली यहाँ बैठ के एंजॉय कर सके। ओए बच्चे ये नीचे से लाइटें नहीं कर रही हैं? हाँ डेकोरेशन है नीचे से है। गैस वाला भी है और इंडक्शन भी है, दोनों है। अच्छा ये देखो कि भाई जब आपके पास प्रोपेन ना हो तो आप बैटरी की पावर पे चलाना चाहो इंडक्शन है, जब बैटरी कम हो तो आप चूल्हा जला लो। नहीं मैंने सबसे पहले ये जगह देखी हाँ। कि ये कुछ बांडे रखने जोगी है कि नहीं है। हाँ बहुत सुंदर है, बहुत क्योंकि ना पहले जो कहीं देखी थी ना उनमें हाँ। ये प्लेटफॉर्म बहुत छोटा था। हाँ, ये देखो जाली वाला दरवाजा। हाँ ये ऐसे फर्स्ट क्लास जो है, आप जहाँ रुकना हो के मच्छर मुच्छर ना आए, अपना वो दरवाजा खोला रहे, ये सर्दियों में विंटराइज करनी पड़ेगी, ये नहीं चलेगी सर्दियों में, एक्सट्रीम विंटर ये हैंडल नहीं कर सकती। मगर यहाँ पे इसमें ये लगे हुए हैं होल्डिंग टैंक हीटर, कि बाय चांस आप जा रहे हो और जो है ठंड बहुत ज्यादा हो जाए तो टैंक जम ना जाए, तो आप ये बटन ऑन कर दो तो इससे होल्डिंग टैंक जो है वो गर्म हो जाते हैं। अच्छा ठीक है, देखो देखो पानी के नीचे देखो, पानी का वाटर फिल्टर लगा हुआ है ताकि जो पानी बाहर से आएगा वो फिल्टर होके इसके अंदर आएगा, कि भाई कैंप ग्राउंड का भी पानी होता है तो आप उसको फिल्टर करके अपने बर्तन जो है धोएंगी। डबल सिंक धो के दूसरे में रखते जाओ। ये माइक्रोवेव भी है प्लस ये ओवन भी है, ड्रॉर, हाँ तीन बड़े ड्रॉर है आपके पास, बहुत सामान आ जाएगा, सब आ जाएगा। ये देखो कैरी लाइट है, ठीक है, ये रिमोट पड़े हैं सारे, ये देखो ये JBL की साउंड बार का रिमोट हो गया, टीवी का हो गया, ये सोनी का हो गया जो पीछे लगी हुई है, और ये जो पंखा है ना पंखे का भी रिमोट है, वो देखो 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 ऊपर ढक्कन खुल गया। चालू, ये इस तरीके से प्रोटेक्टेड है कि अगर बारिश भी आएगी तो पानी अंदर नहीं आएगा, चाहे ये खुला हुआ है। बेड बेड डॉल कैन यू लिफ्ट द बेड? नहीं नहीं पड़ा रहे। ओके नहीं नहीं पड़ा रहे, अभी लेट के देखेगी मम्मी, चेक करेगी गद्दा कितना कंफर्टेबल है। कंपार्टमेंट है, बिग वन हियर, बहुत कपड़े आ जाएंगे टांग के। हाँ, बहुत कपड़े अच्छा खासा खुला। इसमें ये किस लिए है ये चीज, ये टेबल है मम्मी, जो वहाँ टेबल लगता है ना। अच्छा, जहाँ पे सनी बैठा हुआ था। देखो अब ये तो होगी आपकी कबर्ड पूरा वार्डरोब, ठीक है, अब इसको उठाओ ऊपर ऐसे। हाँ तो ये तो बाहर से होगा ना, ये बाहर से एक्सेसिबल है। हाँ। तो यहाँ पे बंदा चाहे तो अपने डर्टी कपड़ों की लॉन्ड्री भी रख सकता है, या फिर बाथरूम का कुछ सामान रखना है अगर यहाँ पे। हाँ, हाँ, हाँ। तो बाहर से भी एक्सेसिबल है ये। ये आ गई आपकी मेडिसिन कैबिनेट छोटी सी बनी हुई है। हाँ। बाकी बाथरूम का शावर का साइज बढ़िया, ये स्पेशल वो वाला मिलिट्री शावर वाला शावर, ताकि पानी की जो है खपत कम हो। टॉयलेट की सीट भी अच्छी है और जगह भी बढ़िया है। अरे दरवाजा ऐसे है,
हाँ, और ये इस तरीके से डिजाइंड है कि जैसे जैसे अंदर जाता है ना तो साथ साथ ये पानी यहाँ से, अब इस रेट में मैं इसे 3 गुना बड़ा भी, मतलब 2 गुना बड़ा भी ले सकता था, मगर क्या कहते हैं वो फिर शिपिंग करने में प्रॉब्लम, कहीं बाहर भेजने में, और पार्किंग और कैंप ग्राउंड यूरोप के इस हिसाब से बने ही नहीं हुए कि वहाँ पे आप बड़े मोटर होम लेके जा सके, क्योंकि यूरोप में एक सरकारी रूल है जो ये कहता है कि कोई भी गाड़ी जो 3500 किलो से ऊपर होगी, 3500 केजी से, उसको ट्रक कंसिडर किया जाएगा या हैवी व्हीकल कंसिडर किया जाएगा, जिसकी वजह से लोगों को वहाँ पे ट्रक लाइसेंस लेना पड़ेगा, जो कोई नॉर्मल गाड़ी चलाने वाला नहीं लेना चाहता। इसलिए वहाँ पे सारे मोटर होम छोटे और हल्के बनाए जाते हैं ताकि वहाँ पे लोगों को बड़ी गाड़ियों वाले लाइसेंस ना लेने पड़े। इसलिए ना उनमें जनरेटर होते हैं, ना उनमें माइक्रोवेव होते हैं, एसी भी नहीं होते पौधों के अंदर, क्योंकि इसका वेट अगर आप हिसाब लगाएं तो कोई 8-9 हज़ार किलो है, तो 3500 किलो में तो फिर क्या ही रह जाएगा इसके अंदर। इसीलिए वहाँ पे मोटर होम छोटे होते हैं, तो वहाँ पे कैंप ग्राउंड भी छोटे हैं, फैसिलिटीज भी कम है, इलेक्ट्रिक सप्लाई भी हल्की है, तो इसीलिए हमने मोटर होम फाइनली यूएसए से लिया ताकि सारे शौक भी पूरे हों, रिक्वायरमेंट भी पूरी हो। बट बाकी इसके अंदर बहुत कुछ है, तो इसीलिए इसकी पूरी डिटेल हम आपको आगे देंगे, क्योंकि जो शैसी के फीचर हैं इसके अमेजिंग मर्सिडीज़ के, वो समझाने के लिए मेरे को पूरी एक वीडियो चाहिए। अब ये देखो जी मम्मी, कुर्सी जो है ये काफ़ी झिकी है ना, तो बंदा यहाँ बैठेगा तो बड़ा अजीब लगता है, क्योंकि ये हाइट इसकी उसके हिसाब से सेट है, ये सरफेस ऊंचा है, तो इसीलिए मैंने उसका भी ध्यान रखते हुए एक्स्ट्रा ये दिए, तो कड़ो कि आप इसको यहाँ लगाओ इस पर और ऊंचे हो गए, प्रॉपर हाइट पे बैठ। ये मोटी मोटी टूर होगी, बाकी जब हम इसमें जाएंगे तो फिर इसके जो और अमेजिंग फीचर हैं वो आगे बताएंगे। बाकी वीडियो ठीक ठाक लगे तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, हमारे मतलब थोड़ा खर्चा ज़्यादा हो गया, मोटिवेशन की बड़ी ज़रूरत है, थोड़ा सब्सक्राइब बटन दबा दोगे तो थोड़ा आराम हो जाएगा। थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग।